Hello students, good morning. How are you? I am your English grammar teacher for classes 3 and 4. Now, we are doing essay writing these days, ठीक है? अब हम essay लिखना सिखा रहे हैं, essay composition या quiz on any topic. आज हम जो हैं आपको माई हॉबी के बारे में बताएंगे, है ना? और सबसे पहली बात यह है कि वॉट इज़ अ हॉबी. आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट इज़ अ हॉबी, हॉबी मतलब क्या होता है. तो हॉबी जो होती है वो हर बच्चे में अलग अलग होती है. मतलब आपकी पसंद की कोई भी एक्टिविटी जो आपको सबसे ज़्यादा, उसको हॉबी कहते हैं. जैसे भी हैं खाली टाइम है आपको सबसे, है ना, तो जैसे पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स लगती है, किसी बच्चे को डांसिंग अच्छी लगती है, उसमें अच्छा नहीं होता. उसी तरीके से हर कोई बच्चे को गाना अच्छा लगता है, हर बच्चे को गाना अच्छा नहीं लगता है. तो हर बच्चे में या हर इंसान में, या गर्ल हो या बॉय हो या मैन वोमन हो, उसकी पसंद जो है, हॉबी जो है वो अलग अलग हो सकती है, होती है. अगर एक बच्चे को गाना अच्छा लगे वही अच्छा लगता है, ठीक है. किसी को गार्डन का पेड़ पौधे लगाना है, किसी को खेल पसंद है बहुत अच्छे, वो अच्छे खेल खेलता है, या बॉलिंग है या स्किपिंग है या रस्सी कूदना है. स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना. तो जो चीज़ बड़े इंटरेस्ट से जब आपको अच्छा लगता है उसको हॉबी कहते हैं, और जो आपको खुशी दे जिस चीज़ से, वो जो चीज़ होती है आप खुशी से जो करते हैं उसको हॉबी कहते हैं. समझ में आ रहा है? सुना, अ हॉबी इज़ द एक्टिविटी दैट वन डज इन वन स्पेयर टाइम. हॉबी क्या होता है? एक एक्टिविटी होती है, कोई भी मतलब वर्क होता है वो, एक तरह से कि जो कोई करता है अपने खाली समय में. आप शाम, अच्छा मौसम है, आपको शाम का टाइम है, आपका मन करता है हम डांस करें, तो आप डांस करते हो. ज़्यादातर आपको अच्छे डांस लगते हैं, इंग्लिश डांस, हिंदी डांस, क्लासिक, सब तरीके के डांस. नाउ सम ऑफ द हॉबीज़ आर, कौन कौन सी हॉबीज़ होती हैं ज़्यादातर लोगों में, होती हैं गार्डनिंग. गार्डनिंग मतलब पेड़ पौधे लगाना है. फिर जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ बच्चे लड़के, उनको ज़्यादातर क्या अच्छा लगता है? फ्लाइंग उड़ाना, फ्लाइंग काइट्स, फ्लाइंग, पेंटिंग, कलरिंग. बॉयज़ जो होते हैं जनरली उनको, किसी बच्चे को स्टैम्प कलेक्ट करना अच्छा लगता है, मतलब टिकट्स, अपने देश के भी दूसरे देश के भी कॉइन्स होते हैं. कॉइन्स मतलब तरह तरह के पैसे, वो इकट्ठे करते हैं. ये हॉबी होती है, कहीं भी अच्छा हो जाता है वो खरीद कर मतलब रख लेते हैं. फिर म्यूज़िक हो गई, म्यूज़िक मतलब गाना सुनना, या डांसिंग, या रीडिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे कोई बाजा बजा, गिटार हो गया, पियानो हो गई, फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी. तो इस टाइप के, इतने टाइप के हॉबीज सब में होती हैं अलग अलग. एट स्कूल आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, मतलब रीडिंग भी है, गार्डनिंग भी है. तो मैं स्कूल में ज़्यादातर लाइब्रेरी में बैठ के, मेरे स्कूल में लाइब्रेरी जहाँ किताबें तरह तरह की रखी होती हैं, उनमें बैठ के हम लोगों का लाइब्रेरी पीरियड जब होता है तो उसमें बैठ के हम लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और घर भी लाते हैं. आई लव टू डू गार्डनिंग, आई लाइक टू प्लांट फ्लावर इन एनी गार्डन, है ना, इन माई गार्डन. आई लाइक टू प्लांट फ्लावर्स इन माई गार्डन. मैं अपने, मुझे गार्डनिंग का भी शौक है और अच्छा लगता है, और फूलों के बीच में मुझे, उनकी खुशबू के बीच में, उनकी बटरफ्लाइज के बीच में मुझे रहना अच्छा लगता है. आई लव टू एडमायर माई गार्डन,
एडमायर माई गार्डन मतलब मुझे अच्छा लगता है देखना फूल पौधे, उनके बीच में खुशबू, अच्छी हवा चलना और रंग बिरंगे फूल और प्लांट्स को देखना। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग एंड डांसिंग विच रिफ्रेशेज एंड गिव मी जॉय। तो मेरी फेवरेट हॉबी कौन सी है? रीडिंग भी है, डांसिंग भी है, जो कि मुझे फ्रेश करती है और मुझे हैप्पीनेस देती, खुशी देती है। ठीक है, आज का ऐसे ही हो गया। अब हम नेक्स्ट आपको टॉपिक सिखा रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना। लीव एप्लीकेशन कौन सी? एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 1 week लीव फॉर ब्रदर्स मैरिज। हम आपको आज एप्लीकेशन ऐसे सिखा रहे हैं जो कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल से मांगो, अपने भाई की शादी में के लिए जाना है। तो आप क्या करोगे? टू द प्रिंसिपल लिखोगे, है ना, एड्रेस, फिर स्कूल नेम, स्कूल नेम जो आपके स्कूल का नाम है वो आपको स्कूल का नाम लिखना होगा और स्कूल का एड्रेस, जैसे जयती में है तो जयती लिखो। ठीक है, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर लीव एप्लीकेशन फॉर मतलब काय के लिए आप लीव एप्लीकेशन चाहिए आपको, तो आपको टॉपिक लिखना होगा कि लीव एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज, भाई की शादी के लिए मुझे एप्लीकेशन चाहिए। तब आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आपके मास्टर हैं तो आप प्रिंसिपल, जेंट्स हैं तो सर लिखोगे और लेडीज़ हैं तो मैडम लिखोगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश, अब जिस क्लास के स्टूडेंट हैं आपको लिखना होगा, इन योर स्कूल आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट माई ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, मेरे भाई की शादी हो रही है फ्रॉम दिल्ली, नेक्स्ट वीक दिल्ली में है। फॉर दैट रीज़न आई नीड टू टेक लीव फॉर 1 week, उसके लिए मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। Therefore, kindly accept my application and grant me leave from starting date। मतलब जैसे 10 से आपको लेना है, 10 जुलाई से 15 जुलाई तक, तो 1 हफ्ते की आपको वो डेट डालनी है। I shall be thankful, thanking you, yours obediently। तो आपको अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और डेट लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन आपको होमवर्क के लिए दिया है, तो अब आप लिखेंगे भी और याद करेंगे कैसे लिखा जाता।